हेलो फ्रेंड, मैं अंकित और आज हम सीखेंगे एमएस पेंट में फ्लैग डिज़ाइन करने। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे शिफ्ट के साथ सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम कर्व टूल लेंगे और यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ऊपर कर देंगे और इधर से नीचे कर देंगे। तो आपको ये लहराता हुआ दिख रहा होगा, इसका कॉपी बना लेंगे। सेम सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और इसे पेस्ट करेंगे तो सेम डुप्लीकेट आ जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा पीछे वाला क्या हो रहा है, मिट जा रहा है, तो मुझे यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद मैं इसे एडजस्ट कर लूँगा और मैं फिर से पेस्ट पे क्लिक करूँगा और दूसरा आ जाएगा और इसे भी मैं एडजस्ट कर लूँगा। ऐसे ही मुझे जितना चाहिए मैं उतना ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसे भी लेते आते हैं इधर, तो मेरा ये बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये थोड़ा डिफॉल्ट हो गया, इसे मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। बीच में एक सर्कल बना लेंगे शिफ्ट के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो सर्कल होगा, नहीं तो ओवल हो जाएगा। शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे, सर्कल बन गया और इसे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके बीच में हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसमें कलर फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कलर फिल करेंगे, यहाँ से कलर ले लेंगे, जो कलर चाहिए आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे हम बॉक्स बना लेंगे सीढ़ी टाइप का, ठीक है। कलर हम यहाँ से ठीक है इसे हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एक और बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हम कलर फिल कर लेंगे, यहाँ से बकेट लेने के बाद यहाँ से कलर लेके यहाँ पे कलर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड में कोई भी कलर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक रस्सी टाइप का रहता है तो वो भी बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ करेंगे और इधर से इधर खींच देंगे और इधर से इधर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्लैग रेडी हो गया है। तो आप लोगों ने फ्लैग बनाना सीखा, तो थैंक यू।